प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। अब देखो इससे पहले वाली जो अपनी क्लास थी इंट्रोडक्शन के बारे में, उसमें अपन ने गुणनखंड किस प्रकार से निकालते हैं वो अपन ने सीखा है। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर एक है उसमें अपने को गुणनखंड निकालना है। अब देखो इसका गुणनखंड अपन किस प्रकार से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर एक है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। अब इसमें अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, अब इनमें से प्रत्येक पार्ट का अपने को गुणनखंड निकालना है। तो देखो जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपके पास। जैसे मान लो ये आपके पास एक संख्या है 36, इसका अपने को गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड अपन किस प्रकार से निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे भी 36 में देखेंगे भी कौन सी संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जो भी मान आता है वो उस संख्या के विभाजक होते हैं या भाजक होते हैं। अब देखो 36 में पहली बात तो एक जो संख्या है उस संख्या का सभी संख्याओं में भाग जाएगा, ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। यानी एक जो है वो स्वयं सभी संख्याओं का क्या होता है, गुणनखंड होता है। अब देखो एक का भाग अपन 36 में देंगे तो 36 बार जाएगा और इसका मान भी क्या आ जाएगा, 36 ही आएगा। उसके बाद जो अपन दो का भाग देंगे तो दो का भाग 18 बार जाएगा, 18 दो कितने होते हैं 36। इसके बाद में अपन तीन का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 12 बार। इन तीन को 12 से गुणा करते हैं कितना आता है, 12 या 36। अब देखो इसके बाद में चार का भाग देंगे तो चार का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 को 4 से गुणा किया तब भी कितने आ गए, 36। इसका मतलब पाँच का भाग 36 में जाएगा नहीं, यानी पाँच जो संख्या वो अपन नहीं लेंगे। अब इसके बाद देखो 6 का भाग जा रहा है, 6 का भाग 6 बार जाएगा, 6 से कितने हो गए, 36। ठीक है, समझ में आ गए ना, 6 का भाग भी कितनी बार गया, 6 बार, तो 6 से कितने हो गए, 36। अब उसके बाद में 6 के बाद में किसका जाएगा, 12 का जाएगा। 12 को अपन 2 से, 12 को अपन कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, यानी 12 का भाग 3 बार जाएगा, 12 तीन कितने हो गए, 36। अब आप एक बात यहाँ ध्यान रखो, ये जो 12 और 3 अपन ने अंक लिए हैं ये अंक पहले आए हुए हैं, यानी कोई भी अंक की पुनरावृत्ति इसमें नहीं होगी। कहने मतलब कोई भी अंक अपने को दो बार नहीं लेना, एक ही बार लेंगे। इसका मतलब इससे आगे अपन इसके टुकड़े नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 12 और ये जो 3 अंक ये पहले आए हुए हैं। उसके बाद देखो 18 का भाग देंगे तो भी कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। देखो 2 और ये 18 ये भी पहले आ गए, यानी कोई भी अंक है वो अपने को दो बार नहीं लेना है। इसका मतलब देखो भाग कितनी बार गया, एक बार गया, उसके बाद में 2 का भी गया, उसके बाद में 3 का भाग गया, फिर कितना गया, 4 का, 4 के बाद में 6 का, 6 के बाद में कितना गया है, 9 का, 9 के बाद में 12 का, 12 के बाद में 18 का, और 18 के बाद में स्वयं 36 का। अब देखो कोई भी संख्या का आप गुणनखंड करो उसमें ये दो संख्या निश्चित ही आएंगी, एक तो एक आएगा और एक वो संख्या स्वयं आएगी, क्योंकि एक का भी उस संख्या में भाग पूरा पूरा जाएगा और जो संख्या दी गई है उस संख्या में उस स्वयं का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 ये क्या हो गए, 36 के गुणनखंड हो गए। अब देखो इसमें ये जो संख्याएं आई है ना, इन संख्याओं को आप बारी बारी से 36 में भाग दे के देखो पूरा पूरा जाएगा। कहने हम लोग गुणनखंड का हम लोग ये जो संख्याएं आई हैं ये संख्याएं इसकी पूरी पूरी भाजक हैं, कहने हम लोग पूरा पूरा इन संख्याओं का 36 में भाग जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसका गुणनखंड करेंगे। अब देखो जिसमें पहला है, पहला क्या है, 24 है। देखो सबसे पहले एक को अपन 24 से गुणा करेंगे, 24 ही आएगा, यानी एक का भाग भी 24 में जा रहा है, 24 बार जाएगा। उसके बाद में दो का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा, 12 बार, 12 दूनी 24। उसके बाद में तीन का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 तीन कितने होते हैं, 24। उसके बाद में चार का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 चौके 24। अब जब उसके बाद में पाँच का नहीं जाएगा, इसमें 6 का जाएगा, तो अपन यहाँ 6 लिखेंगे, 6 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब देखो यही अंक वापस रिपीट हो गए,
इसका मतलब इनको अपन वापिस बार बार लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है, यानी यहीं तक इसको अपने को करना है। अब देखो इसमें कौन कौन से अंक आ गए, एक आया है, उसके बाद में दो आया है, उसके बाद में तीन आया है, उसके बाद में क्या है चार आया है, उसके बाद में क्या है छः आया है, छः के बाद में क्या आया आठ आया, आठ के बाद में क्या आया बारह है, बारह के बाद में क्या आया चौबीस है, यानी ये जो संख्या है ये संख्या चौबीस के क्या हो गए गुणनखंड हो गए। कहने मतलब एक का दो का तीन का चार का छः का आठ का बारह का चौबीस का, इन सभी संख्याओं का चौबीस में भाग पूरा पूरा जाएगा, तो ये जो सभी संख्याएं ये क्या हो गए चौबीस के गुणनखंड हो गए। अब देखो इसी प्रकार दूसरा, अपन पंद्रह में सबसे पहले एक का भाग जाएगा पंद्रह बार जाएगा, अब देखो उसके बाद में दो का नहीं जा रहा है, दो के पाड़े में पंद्रह आता ही नहीं है, उसके बाद तीन देखो तीन का भाग अपने पांच बार जाएगा, यानी तीन को पांच से गुणा करते हैं पंद्रह आएंगे, अब उसके बाद में चार का नहीं जाएगा फिर पांच का जाएगा, अब देखो पांच का भाग भी पंद्रह में तीन बार जाएगा, यानी पांच को तीन से गुणा करेंगे पंद्रह आएंगे, अब वही अंक दोबारा आ गए, इनको अपने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। तो अब देख लो कितने गुणनखंड आ गए, एक आया उसके बाद में तीन आया उसके बाद में पांच आया उसके बाद में क्या आया पंद्रह, यानी पंद्रह के ये क्या हो गए सभी गुणनखंड हो गए। अब देखो इसी प्रकार इक्कीस, तो इक्कीस में एक का जाएगा, यानी एक का कोई भी संख्या लो उसमें सब में एक का भाग जाएगा, अब उसके बाद में दो का नहीं जा रहा है फिर जाएगा तीन का, तीन को सात से गुणा करें सात त्रि इक्कीस का, मतलब तीन का भाग वो सात बार जाएगा, उसके बाद में चार का पांच का छः का किसी का नहीं जाएगा फिर सात का जाएगा, अब देखो सात का भाग जाएगा इक्कीस में तीन बार जाएगा, यानी सात गुणा तीन लिखेंगे तो वही अंक दोबारा आ गए, तो अंकों की पुनरावृत्ति अपने को नहीं करनी है, तो ये इक्कीस के गुणनखंड यही आ गए, कितने आ गए एक आया उसके बाद में तीन आया उसके बाद में सात आया उसके बाद में इक्कीस है, ये क्या आ गए इक्कीस के गुणनखंड। अब इसी प्रकार देखो सत्ताईस, तो एक का भाग जा रहा है सत्ताईस में सत्ताईस बार गया, अब उसके बाद में दो का नहीं जाएगा तीन का जाएगा, तो देखो तीन इंटू नौ, नौ त्री कितने होते हैं सत्ताईस, यानी तीन का भाग देंगे नौ बार जाएगा, ठीक है, उसके बाद में चार पाँच छः सात आठ किसी का भी नहीं जाएगा, यानी इससे वापस नौ का ही जाएगा, तो नौ का भाग तीन बार जाएगा तो वही अंक दोबारा आ गए, इसका मतलब यहीं तक करना अपने को, कोई भी अंकों में पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो अब देख लो कौन कौन से अंक आए, एक आया है तीन आया है उसके बाद में नौ आया है उसके बाद में सत्ताईस आया है, तो ये क्या हो गए सत्ताईस के गुणनखंड। अब देखो इसके बाद में आगे वाली संख्या कौन सी है बारह, तो एक का भाग जाएगा बारह में उसके बाद में दो का भी जाएगा छः दो बारह होते हैं, फिर तीन का भी जाएगा तीन चौक क्या होते हैं बारह, अब उसके बाद देखो चार का जा रहा है चार का भाग देंगे बारह में तीन बार जाएगा, यही अंक की पुनरावृत्ति होगी, उसके बाद में चार के बाद में छः का जा रहा है तो छः का भाग दो बार जाएगा यही अंकों की पुनरावृत्ति होगी, ठीक है, इसका मतलब जहाँ भी पुनरावृत्ति हो वहीं अपने को रुकना है। अब देख लो इन संख्याओं कौन कौन संख्या होगी, एक हो गई दो हो गई उसके बाद में तीन फिर उसके बाद में चार फिर छः और उसके बाद में बारह, ये सब क्या है बारह के गुणनखंड आ गए। अब देखो उसके बाद में आगे वाला कौन सा है बीस, अब देखो बीस में एक का भाग जा रहा है यानी बीस बार जाएगा, फिर दो का भाग देंगे दस बार जाएगा, अब देखो तीन का नहीं जाएगा चार का देंगे तो कितनी बार जाएगा पांच बार, पाँच चौक बीस, अब चार के बाद में पांच का भी जा रहा है वो भी चार बार जाएगा, नहीं यही अंक वापिस आ गए, अंकों की पुनरावृत्ति होगी, इसका मतलब अपने को यहीं पर रुकना है। अब देख लो कौन कौन से अंक हैं, एक है उसके बाद में दो है उसके बाद में चार है उसके बाद में पाँच फिर दस और फिर बीस, ये सब क्या आ गए बीस के गुणनखंड आ गए। अब देखो इससे आगे वाला जी है अठारह, तो देखो अठारह में एक का भाग जाएगा अठारह बार जाएगा, उसके बाद में दो का भाग जाएगा नौ बार जाएगा, नौ दून अठारह, अब उसके बाद में तीन का भाग जाएगा छः तीन अठारह छः बार गया, अब तीन के बाद में चार पाँच का जाएगा नहीं क्योंकि चार पाँच अठारह के पाड़े में नहीं आएगा, तो अब उसके बाद में किसका जाएगा छः का,
तो छह का भाग जाएगा तीन ही बार जाएगा, छह तीन अठारह तीन अंकों की क्या होगी पुनरावृत्ति होगी। इसका मतलब अपने को यहीं रुकना है। अब देखो कौन कौन संख्या भाग गया, एक का गया, उसके बाद में दो का, उसके बाद में तीन का, फिर गया छह का, फिर गया नौ का, उसके बाद में अठारह का, यानी अठारह की ये गुणनखंड आ गए। अब आप देखो इन ये जो प्रत्येक अंक है, इस प्रत्येक अंक का इस अठारह में भाग पूरा पूरा जाएगा। कहना मतलब ये जो अंक है ये अठारह का क्या है, भाजक है, और वही क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। अब देखो इसके बाद में तेईस, अब देखो एक का भाग जा रहा है तेईस में, तेईस बार जाएगा। उसके बाद में देखो कोई भी संख्या ले लो आप, दो तीन चार पाँच छः सात, कोई भी संख्या ले लो, किसी के पाड़े में भी तेईस नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब इसके गुणनखंड यही हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा एक और दूसरा क्या हो जाएगा तेईस। अब देखो इसका अंतिम है छत्तीस, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, एक बार फिर यहाँ कर देते हैं। तो देखो एक का भाग जाएगा छत्तीस में छत्तीस बार, फिर दो का देंगे अठारह बार, तीन का देंगे बारह तिया छत्तीस, चार का देंगे नौ बार गया नौ चौक छत्तीस, चार के बाद में किसका छः का देंगे, छः बार जाएगा छः छः छत्तीस। अब उसके बाद में सात आठ वापस नौ का जाएगा, नौ का जाएगा यानी चार बार ही भाग जाएगा, यानी अंकों में क्या हो गई पुनरावृत्ति होगी। इसका मतलब जहाँ पुनरावृत्ति होगी वहीं पर अपने को रुकना है। अब देखो कौन कौन से अंक आ गए, एक आ गया, दो, उसके बाद में तीन, उसके बाद में चार, उसके बाद में क्या आया छः, उसके बाद में क्या आया नौ, उसके बाद में बारह, फिर अठारह और फिर छत्तीस, यानी ये जो सब है छत्तीस के क्या आ गए गुणनखंड आ गए। कहने मतलब इन सभी संख्याओं का छत्तीस में भाग पूरा पूरा जाएगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर एक। अरे बच्चों क्वेश्चन नंबर दो है, निम्न संख्याओं के प्रथम पांच गुणज लिखिए। अब देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट की जो क्लास है उसमें मैंने आपको बताया था भी गुणज का मतलब होता है उस संख्या का आगे पहाड़ा लिखो, समझ में आ गया ना। अब जैसे मान लो पहली संख्या है पाँच, अब इसका अपन गुणज किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, यानी पाँच का पहाड़ा लिख लेंगे, एक पंजा पंजा, दो पंजा दस, तीन पंजा पंद्रह, चार पंजा बीस, पाँच चौड़ी पच्चीस। अब इसमें पांच गुणज पूछे यानी पांच बार पहाड़ा लिख दिया, आठ दस पूछते तो आठ या दस बार या सात बार लिख देते, सेम वही तरीका है। अब देखो दूसरी आए आठ, तो आठ एक आठ, आठ दूनी कितने हो गए सोलह, आठ तीन चौबीस, आठ चौक बत्तीस, आठ पंजो चालीस, और ये इस प्रकार से आगे भी चलता रहेगा, आप कितने भी लिख सकते हो। यानी इनके जो गुणजों की संख्या होती है ना वो क्या होती है अपरिमित होती है, यानी अनंत होती है। और एक बात ध्यान रखो जो संख्या का गुणज पूछा है वो संख्या स्वयं भी उसका क्या होता है एक गुणज होता है। जैसे पाँच का सबसे पहले अपन ने पाँच लिखा है, इसी प्रकार आठ का गुणज में अपन ने सबसे पहले क्या लिखा है आठ लिखा है। अब देखो इसका तीसरा है नौ, इसका गुणज क्या हो जाएगा एक ने नए, दो ने अठारह, तीन ने सताईस, चार ने छत्तीस, पाँच ने पैंतालीस, इस प्रकार से चलता रहेगा। कहने वाले पाँच पूछा है पाँच लिख दो, छः पूछा है या आठ पूछा है या दस पूछा है, कितना भी आप लिख सकते हैं। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर तीन है, स्तंभ एक की संख्याओं का स्तंभ दो के साथ मिलान कीजिए। अब देखो ये जो पहली स्तंभ है इसमें अपने क्या दे रखा है सिर्फ संख्याएं दे रखी हैं। अब दूसरे स्तंभ में ये जो इनका कारण दे रखा है ये समझो भी ये इन संख्याओं का अपने को मिलान करना है, यानी कौन सी संख्या किस ए बी सी डी में से किसके लिए वो उपयुक्त यानी सही है। अब देखो जैसे मान लो 35 है पहली संख्या है, अब 35 इनमें से देखो किसके साथ मैच कर रहा है ये आठ का गुणज, यानी गुणज का मतलब आठ का अपन पढ़ा बोलेंगे उसमें 35 नहीं आएगा। उसके बाद में सात का गुणज, अब देखो सात का अपन पढ़ा बोलेंगे, सात का गुणज का मतलब सात का पढ़ा, तो सात के पाड़े में सात पंजे क्या आता है 35 आता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी। इसके आगे अपने इस प्रकार से लिख देंगे बी। अब उसके बाद में पंद्रह देखो, पंद्रह किस्म आठ के गुणज में भी नहीं है, सात के गुणज में यानी आठ और सात दोनों के पाड़े में नहीं आता है, सत्तर का गुणज सत्तर के पाड़े में तो कहाँ से आएगा। उसके बाद देखो तीस का गुणनखंड, अब देखो अपन तीस का गुणनखंड करेंगे उसमें यह पंद्रह आएगा,
तीस में अपन अपने एक का भाग देंगे 30 बार जाएगा, फिर 30 में अपन दो का भाग देंगे 15 बार जाएगा। इसका मतलब ये जो 15 है ये किसका है, 30 का गुणनखंड है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी इसके आगे अपन लिख देंगे डी। अब देखो तीसरा है 16। 16 क्या है, 8 का गुणज है, बिल्कुल सही है। एक अठो दो अठा 16, यानी 8 के पाड़े में 16 आता है। इसका मतलब ये 16 क्या है, ये 8 का गुणज है। तो इसके आगे अपना आंसर क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखो चौथा है 20। अब 20 क्या है, देखो 8 के पाड़े में नहीं आता है, 7 के पाड़े में भी नहीं आता है, 17 का गुणज भी नहीं है, 30 का जो गुणनखंड है उसमें भी 20 नहीं आएगा, 50 के गुणनखंड में भी 20 नहीं आएगा। तो इसका मतलब 20-20 का गुणनखंड है। भी कोई भी संख्या हो स्वयं का क्या होती है, एक गुणनखंड होती है। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रथम क्लास में ये बात आपको बताई थी। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ। अब उसके बाद में अब 25। अब देखो 8 का गुणज भी नहीं, 8 के पाड़े में नहीं आता, 7 के पाड़े में नहीं आता, 70 का गुणनखंड भी नहीं है, 30 का गुणनखंड भी नहीं है, 50 का गुणनखंड 25 है। समझ में आ गया ना, 50 का अपन गुणनखंड करेंगे, यानी एक का भाग देंगे तो 50 बार जाएगा, फिर दो का भाग देंगे तब कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। इसका मतलब ये जो 25 है ये 50 का क्या है, एक गुणनखंड है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। इस प्रकार से अपने को स्तंभ एक और दो का आपस में क्या है, मैच करना है, यानी मिलान करना है, सही आंसर का अपने को मिलान करना है। तो ये होगा आपके क्वेश्चन नंबर 3। पहले बच्चों इसका अंतिम क्वेश्चन है, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। अब देखो गुणज का मतलब क्या होता है, भी जो भी संख्या का गुणज पूछे उसका अपने पाड़ा बोलेंगे आगे। अब ये जो पाड़ा है उसका मान क्या है, 100 से कम रहना चाहिए, यानी 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। देखो 9 के गुणज अपने इस प्रकार से लिखेंगे, 9 के गुणज बराबर है, 9 का पाड़ा बोलते चलेंगे। देखो 1 ने 9, 2 ने 18, 3 ने 27, 4 ने 36, पति पताड़ा, 6 नम 54, 7 नम 63, 8 नम 72, 9 नम 81, 9 दया 90, 11 नौ 99, 12 नम्मा 108। अब देखो 108 ज़्यादा हो गया 100 से, यानी यहाँ तक अपने को जाना ही नहीं है, अपन 99 तक इसमें क्या है रुक जाएंगे, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुणज का मतलब उस संख्या का पाड़ा अपन बोलते चलेंगे। अब इसमें पूछा है कि 100 से कम, तो ये 99 100 से कम है, 108 आते 100 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब यहाँ तक अपने को जाना ही नहीं है। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन, और ये आज की क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 3.1 वो कंप्लीट। आगे वाली क्लास में अपन आगे वाली एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।